फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे, जो कि कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे कंटिन्यूटी के, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके देखें। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी कंटिन्यूटी का मालूम हो। तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूस फंक्शंस। ये फंक्शंस, वी आर गिवन दैट दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूस फंक्शन, दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 26 फर्स्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। बुक है NCERT, क्लास है 12th। RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2, ये होगा। What will happen? अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर, तो क्या क्या चीज़ें इक्वल होंगी? तो होगा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2। और वट इज राइट हैंड लिमिट? तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h पर। वट इज a हियर? यहाँ पर a है पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 2 इज 3। तो इसकी जगह क्या लिख सकेंगे हम? 3 लिख सकते हैं इसकी जगह। एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई बाय 2 प्लस एच मीन्स नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, तो वो इस अकाउंट में जाएगा। तो क्या बन जाएगा? k इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एच। चाहे तो आप एक से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर गिवन दैट दिस इज अ कंटिन्यूस। तो कई बार सोचते हैं स्टूडेंट कि हम दो में से एक लिखें, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 के इंटू पाई बाय 2 माइनस एच नॉट पाई बाय 2, ये भी इसी अकाउंट में जाएगा। तो k इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एच इज इक्वल टू कितना आया? 3 आ गया। दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एच होल अपॉन पाई माइनस 2h, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास k cos पाई बाय 2 माइनस h इज प्लस साइन h अपॉन में देखिएगा पाई माइनस, ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई प्लस 2h, पाई पाई गेट कैंसल्ड, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 3। अब अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज व्हाट? साइन थीटा बाय थीटा इज 1। ये एक फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1। माइनस और ये माइनस कैंसिल। ध्यान से देखिए, दिस साइन एच अपॉन दिस एच यूजिंग दिस कंसेप्ट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, हियर थीटा इज एच, एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच 1 एंड सिमिलरली हियर, और इसी तरह से ये। तो ये हो जाएगा आपके पास दोस्तों के बाय 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, के बाय 2 इंटू 1, सो फाइनली इट इज के बाय 2 इज इक्वल टू, ये भी देखिएगा के बाय 2 आएगा इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू, एक को ले लें दो में से, के इज इक्वल टू 2 को इधर भेज दें, तो आंसर आ गया आपका के इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है के इज इक्वल टू 6। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 27 में भी सिमिलर कंसेप्ट है, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड इज इक्वल टू एफ ऑफ। अब इसमें पॉइंट चेंज हो गया है, इसमें पॉइंट है 2, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 की जगह आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ 2, और ये क्वेश्चन नंबर है 27।
अब राइट हैंड लिमिट का पहले फॉर्मूला लिख लें, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच, लिमिट या वैल्यू कहो फॉर्मूला कहो एफ ऑफ टू माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू फंक्शन का वैल्यू टू पे कितना होगा, तो फंक्शन का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू टू इसमें रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा के इंटू टू स्क्वायर। के इंटू टू स्क्वायर मीन्स फोर के। अब एफ ऑफ टू प्लस एच, टू प्लस एच मीन्स बिगर देन टू, बिगर देन टू तो उसके लिए इसकी वैल्यू है डायरेक्ट, क्या वैल्यू है दोस्तों इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू डायरेक्ट है थ्री। एफ ऑफ टू माइनस एच, हालांकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी अब हमने लिखा है तो इसको लिख देते हैं। एफ ऑफ टू माइनस एच मीन्स स्मॉलर देन टू, तो इस अकाउंट में जाएगी वैल्यू। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के इंटू टू माइनस एच होल स्क्वायर। अब एच की जगह अगर आप जीरो रख देंगे तो ये भी हो जाएगा आपके पास के इंटू टू माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू फोर के। ये दो देखिए, ये भी फोर के, ये भी फोर के, दो में से एक ले लें, थ्री इज इक्वल टू फोर के। फोर के को, फोर को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा थ्री बाय फोर। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका के इज इक्वल टू थ्री बाय फोर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है के इज इक्वल टू थ्री बाय फोर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, साथ साथ बने रहें। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 34 तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन 34 हैं। सारे क्वेश्चन 1 to 34 मैंने सॉल्व किए हैं, उसके पार्ट्स, सब पार्ट्स सारे। आप बस लिंक दबाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीडियोस देख लें। इतना काम बस आपको करना है। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ, तो कौन से पॉइंट पे चेक करना है, पाए पे, तो ये जाएगा एफ ऑफ पाए। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू एफ ऑफ पाए प्लस एच, लेफ्ट हैंड का वैल्यू एफ ऑफ पाए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ पाए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाए, पाए की वैल्यू तो यहां पर रख देंगे आप के इंटू पाए प्लस वन। अब ध्यान दें, पाए प्लस एच मीन्स बिगर देन पाए कौन से अकाउंट में जाएगा, तो बिगर देन पाए इस अकाउंट में जाएगा। तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम, पाए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ पाए माइनस एच, पाए माइनस एच इस अकाउंट में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका के इंटू कॉस, सॉरी के इंटू पाए माइनस एच प्लस वन इज इक्वल टू पाए के प्लस वन। आप ध्यान दें, या तो आप डायरेक्ट ऐसा करें कि एच की जगह जीरो रख दें तो कॉस पाए आ जाएगा, कॉस पाए का वैल्यू कितना होता है माइनस वन, वो आपको मालूम हो, या फिर आप इसमें वो लगा दें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस पाए प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एच। यहाँ h की जगह जीरो रख देंगे तो आ जाएगा k पाए माइनस जीरो प्लस वन, ये आ जाएगा k पाए प्लस वन, दोनों एक ही चीज़ है तो दोनों में से एक ले लेंगे, और यहाँ h की जगह जीरो रख देंगे तो आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन इज इक्वल टू पाए के प्लस वन। अब हम उस वन को उधर भेजेंगे, तो जब वन को उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका माइनस वन माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू पाए के, तो के की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू अपॉन पाए। ये है इसका आंसर, 28 का आंसर है के इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन पाए। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 29, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन, एक्स लेस और इक्वल टू फाइव, थ्री एक्स माइनस फाइव वेन एक्स इज ग्रेटर देन फाइव एट एक्स इज इक्वल टू फाइव, एट एक्स इज इक्वल टू फाइव, एट एक्स इज इक्वल टू फाइव, फाइव पे चेक करना है आपको। तो फाइव पे क्या होगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, और यहां पर क्या जाएगा आपके पास एफ ऑफ फाइव, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी एफ ऑफ फाइव प्लस एच, लेफ्ट हैंड हो जाएगी फाइव माइनस एच, और यहाँ एफ ऑफ फाइव का वैल्यू।
तो एफ ऑफ फाइव इसमें रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा के इंटू फाइव प्लस वन, के इंटू फाइव प्लस वन। आप ध्यान दें, एफ ऑफ फाइव प्लस एच कौन से अकाउंट में जाएगा, तो ग्रेटर देन फाइव के लिए एक चॉइस है नीचे वाली, तो इसमें एक्स की जगह हम रख देंगे फाइव प्लस एच, तो आपकी राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट आएगी आपकी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फाइव प्लस एच इस अकाउंट में रखेंगे, थ्री इंटू फाइव प्लस एच माइनस फाइव, लेफ्ट हैंड के लिए फाइव माइनस एच ऊपर रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका के इंटू फाइव माइनस एच प्लस वन इज इक्वल टू फाइव के प्लस वन। ये भी सेम होगा, एच की जगह जब जीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा के इंटू फाइव, फाइव के प्लस वन, वो भी फाइव के प्लस वन है, ये भी फाइव के प्लस वन है, एक बार लिख दें कोई इशू नहीं। एच की जगह यहाँ जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो थ्री फाइव जै फिफ्टीन माइनस फाइव टेन, अब ये वन को आप उधर भेज दें तो ये टेन माइनस वन नाइन इज इक्वल टू कितना होगा फाइव के, तो के का वैल्यू आ गया आपके पास 9/5। तो दोस्तों इसका आंसर है k इज इक्वल टू 9/5। ये था क्वेश्चन नंबर 29। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। 30 में k की जगह आपको a और b निकालना है। फॉर वॉट a एंड b, a और b की वो वैल्यूज निकालना है फॉर विच f ऑफ x 5 If x is smaller or equal to 2, ax plus b, 2 less than x less than 10 or 21, x greater than or equal to 10 is continuous function. ये दिया है अपने को, हमें ये दिया हुआ है दोस्तों, we are given that this function is a continuous function. अब इस फंक्शन में पॉइंट नहीं दिए हुए हैं, जैसे कि आपको ऊपर के केसेस में आपने नोटिस किया होगा कि आपको पॉइंट दिया था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में कंटिन्यूस है, इस बार हमें पॉइंट्स नहीं दिए, तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है। अगर ये सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा कि डिस्कशन हम केवल क्रिटिकल पॉइंट्स पे करेंगे, ट्रांजिशन पॉइंट्स पे करेंगे, एंड विच पॉइंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को ट्रांजिशन पॉइंट्स कहते हैं जहाँ पे सिचुएशन चेंज होती है। जैसे इसमें 2 से पहले ये रहेगा, 2 के बाद ये रहेगा, 10 से पहले ये रहेगा, 10 के बाद ये रहेगा, तो इसका मतलब देर आर टू पॉइंट्स, वन इज 2, अनदर इज वॉट, अनदर इज 10, दूसरा पॉइंट 10 है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस इट इज कंटिन्यूस फंक्शन, आप कैसे लिखेंगे, सिंस इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर इट विल बी अ कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 10, तो 2 पे भी काम करेंगे और 10 पे भी काम करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एट x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हमने पॉइंट कौन सा लिया 2, यहाँ पर हम कौन सा पॉइंट ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट पर एफ ऑफ 2, राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टू माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ टू। यहां भी सेम चीज, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, पॉइंट बदल गया दोस्तों, यहां पे एफ ऑफ 10 आ जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 10 प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 10 माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 10, एफ ऑफ 10। अब चाहेंगे तो एफ ऑफ 10 का चलिए अगली केस में अगली नीचे रख देंगे वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, एफ ऑफ 2 प्लस एच मीन्स बिगर देन 2, बिगर देन 2 के लिए फंक्शन का वैल्यू देखिए क्या है, वेन एक्स इज बिगर देन 2 तो ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट
H टेंड्स टू जीरो, टू प्लस एच इसमें आने वाला है, इसमें आएगा, तो देखिए टू प्लस एच कैसे आएगा, ए इंटू टू प्लस एच प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ टू माइनस एच, फंक्शन का वैल्यू टू से कम पे, टू से कम पे डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना है, फाइव है, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू भी इसी में रख सकेंगे, एक्स इज इक्वल टू टू इसमें ही दिया हुआ है, उसकी भी वैल्यू कितनी है, फाइव है, हालांकि दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, अगली बार इसको एक को हटा देंगे। इधर देखिए, दिस इम्प्लाइज 10 प्लस एच, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, ये इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, 21, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इधर देखिए, 10 माइनस एच, 10 माइनस एच स्मॉलर देन 10 इसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू 10 माइनस एच प्लस बी एफ ऑफ 10, फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 10 इज सेम एज 21, ये भी 21 है, ये भी 21 है, दो बार है, अब हम एक बार ही लिखेंगे। देखिए h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो जाएगा a इंटू टू प्लस जीरो प्लस बी इज इक्वल टू 5, विच इम्प्लाइज 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, लेट दिस बी नंबर 1, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। इधर देखिएगा, h की जगह 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू 10 माइनस 0 प्लस बी इज इक्वल टू 21, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 21, लेट दिस बी नंबर 2, मान लेते हैं नंबर 2 है। अब a और b निकालने के लिए 2 और 1 को सॉल्व करेंगे, a और b निकालने के लिए 2 और 1 को सॉल्व, तो 2 माइनस 1 कर देते हैं। देखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 21 और 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 ए और ये हो गया आपका बी भी कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 16, ए इज इक्वल टू आ गया 2, ये एक तो आंसर हो गया। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को 1 में पुट कर दें, पुटिंग इन वन ए इज इक्वल टू 2 इन 1, 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो देखिएगा क्या होने वाला है, 2a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये 4 है, इधर माइनस कर देंगे ले जाके, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों इसका आंसर जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1, सो फाइनली द आंसर इज a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 1, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो रिक्वेस्ट मेरी वही हमेशा की तरह, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि आपके दोस्तों को बात मिले, समझ में आए, पहुँचे, इसे रोके नहीं, खुद बढ़ें, देश को बढ़ाएं। अब हम अगले क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं, काफ़ी आसान सी सवाल है वो, बिल्कुल आप साथ साथ बने रहेंगे। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 34 है, ये 2015 में बोर्ड में आया हुआ है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत सारा कुछ सीखने के लिए उसमें है। पर उससे पहले क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में लिखा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो बच्चे सोचते हैं कि ये दिखाना मुश्किल होगा, हाउ टू प्रूव दैट दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो हमें क्या बोला है, प्रूव दैट, पी टी मीन्स प्रूव दैट दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो आप माइंड इट, इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि ये कंटिन्यूस कैसे होगा, तो आप ध्यान से देखें ये कैसा फॉर्म हुआ है, ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट है मतलब कैसा होगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसको थोड़े से दो टुकड़ों में कर दूं मैं, तो ऐसा लिखूंगा मैं इसको, इसको जी ऑफ एक्स बोल देता हूँ, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कैसा बना है मेरा, जी ऑफ एक्स कॉस एक्स जैसा है, इसके अंदर के फंक्शन को कह देते हैं एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स कैसा है हमारा, एक्स स्क्वायर है, तो जी जी ओ एच एक्स, जी ओ एच एक्स, इसी को क्या कहते हैं हम, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो एच ऑफ एक्स क्या है, आप ध्यान दें,
जी ऑफ एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, जी ऑफ एक्स, देखिए जी ऑफ एक्स कॉस एक्स है, और जी ऑफ एक्स स्क्वायर इसलिए क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, इसलिए दैट इज देयर फोर एफ ऑफ एक्स क्या बन गया आपका, एफ ऑफ एक्स बन गया है आपका जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इसको ऐसा भी लिखते हैं ऐसा भी लिखते हैं, तो ये कंपोजिट फंक्शन बन गया है, कैसा फंक्शन बन गया है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स कंपोजिट, इसको कंपोजिट बोलते हैं, फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन होता है तो सच अ फंक्शन इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। अब एनसीईआरटी में एक थ्योरम है कि अगर इसके अंदर का फंक्शन कंटिन्यूअस है और बाहर का फंक्शन कंटिन्यूअस है तो देयरफॉर द फंक्शन विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसका इसका ध्यान से देखें, एच ऑफ एक्स क्या है, एच ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं देता, कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं देता है इसलिए कंटिन्यूअस है। तो आपको कैसे रिस्पॉन्स लिखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आप इसका रिस्पॉन्स लिखेंगे, सिंस एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे एक्स के लिए आर कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शंस देयरफॉर एच जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इतना ही लिखना है आपको, विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये बहुत बड़ा सवाल नहीं आएगा कि 6 मार्क्स 4 मार्क्स का आएगा, आपको लिखने के लिए थोड़ा सा जो मैंने आपको ड्राफ्ट करने का तरीका बताया है अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 भी इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 32, प्रूव दैट मॉड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू, कोई वैल्यू दिया है, दिया है दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आपको ये पहचानना है कि पहले कौन सा है और बाद में कौन सा है। तो पहले इसके कौन है, कॉस ऑफ एक्स है, और बाद में इसके कौन है, मॉड है। तो बाद वाले को हमने क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको भी उसी से कोरिलेट करें, मॉड कॉस एक्स, बाद वाली चीज मॉड है, तो जी ऑफ एक्स को क्या मान लेंगे हम, जी ऑफ एक्स को क्या मान लेंगे हम, मॉड ऑफ एक्स मान लेंगे, और इसके अंदर वाले को क्या मान लेंगे, एच ऑफ एक्स। तो अंदर वाली चीज कौन सी है, ये चीज है अंदर वाली, कॉस एक्स। तो जी ओ एच एक्स यानी जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स क्या है देखिएगा आप, एच ऑफ एक्स क्या है आपका, कॉस एक्स है, तो जी ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, जी ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा आपका जी ऑफ एक्स मॉड एक्स है, तो जी ऑफ कॉस एक्स भी क्या होगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। यही आपका कौन है, यही आपका एफ ऑफ एक्स है, इसलिए आपका एफ ऑफ एक्स हो गया जी ऑफ एच ऑफ एक्स। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लगेगा, एच ऑफ एक्स कौन है आपका, एच ऑफ एक्स देखिए कॉस एक्स है, तो एच ऑफ एक्स कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जी ऑफ एक्स मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आर कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन सॉरी कंटिन्यूअस फंक्शंस, देयरफॉर जी ऑफ एच ऑफ एक्स कॉस ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 का भी एक्सप्लेनेशन लगभग इसी तरह का है, उसमें साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स दिया है, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, तो उसको लिखने का तरीका आपका ऐसा रहेगा, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, अंदर वाली चीज कौन सी हो गई आपकी, मॉड ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स इस बार मॉड एक्स हो जाएगा, ऊपर वाला फंक्शन है साइन का, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। अब इसको अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो ये देखिए एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, मॉड एक्स हो जाएगा, और मॉड एक्स जी ऑफ एक्स कितना है, साइन एक्स है, तो जी ऑफ मॉड एक्स क्या होगा आपका, ये बनेगा आपका साइन ऑफ मॉड एक्स विच इज एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये,
और एच ऑफ एक्स क्या चीज है आपका? एच ऑफ एक्स इस बार मॉड ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या चीज है? जी ऑफ एक्स है आपका साइन ऑफ एक्स. बोथ आर कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देयर फोर दिस आउटकम, ये वाला जो आउटकम है कौन सा वाला? साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स. आप एक बार लिख लिख के देखेंगे तो आपको और अच्छे से आने लगेगा. ये कंटिन्यूस फंक्शन है. तो इसमें हमको एग्जामिन करना था वेदर इट इज़ अ कंटिन्यूस और नॉट. तो यस इट इज़ अ कंटिन्यूस. अब ध्यान से देखना है. क्वेश्चन नंबर 33 था, तो नंबर मैंने डिलीट नहीं किया था उसका, ये 33 था. तो नाउ वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 34, लॉन्गली अवेटेड क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34. 2015 में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये 13 क्वेश्चन नंबर 13 2015 में पूछा गया 34th क्वेश्चन, लेकिन ये उसका एक पार्ट है. वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था. क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन. मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन. तो ये एक्सरसाइज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 आखिरी क्वेश्चन है. हम और डिस्कशन करेंगे आपसे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आप साथ साथ बने रहें, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे. CBSE में आए हुए क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे अगले आने वाले वीडियोस में. ये देखिएगा, अब आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन. तो पहले इसको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे एक्स की क्रिटिकल वैल्यूज पे. तो मॉड की डेफिनेशन आपको मालूम हो कि मॉड ऑफ ए क्या होता है. मॉड ऑफ ए होता है ए व्हेन ए इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो. माइनस है व्हेन ए इज लेस देन जीरो. ये आपको लग रहा होगा कि मॉड माइनस कैसे हो गया, तो ज़्यादा दिमाग आप ना लगाएं, देखें कि ए की वैल्यू क्या है. ए की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है, मतलब अगर ए की वैल्यू माइनस फाइव है तो मॉड ऑफ ए क्या होगा? मॉड ऑफ ए क्या होगा? अगर मॉड ऑफ ए हो गया और मैं यहाँ ए की जगह माइनस फाइव रखता हूँ तो ये तो माइनस फाइव ही आ जाएगा. तो टू मेक इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस. तो ये माइनस इसको क्या करेगा? प्लस कर देगा. लेकिन यही चीज अगर ए का वैल्यू मेरा 2 होगा, 7 होगा, 3 होगा, जो कि 0 से बड़ा है, तो मॉड ए की वैल्यू कितनी होगी उस केस में? मॉड ए की वैल्यू केवल ए होगी. मतलब मॉड ऑफ 2 में आई नीड नॉट टू डू एनीथिंग, इसका वैल्यू 2 ही रहेगा. पर ये माइनस कब होगा? जब ये ए नेगेटिव होगा. अगर ए स्मॉलर देन जीरो है तो आप इसको दिमाग में रखें. इसके बेसिस पे हम इसको बाइफरकेट करते हैं. तो इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स जब बोलते हैं तो इसको अंदर की वैल्यू को जीरो रखते हैं. एक तो ये आ जाता है, इसको रखते हैं तो एक्स प्लस वन को जीरो रखते हैं तो एक्स की वैल्यू माइनस वन आ जाती है. तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं जहाँ पर नेचर इनका चेंज होता है. तो हम एक काम करते हैं, एक रियल लाइन बना देते हैं पहले. रियल लाइन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करते हैं. हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यूज है, एक माइनस वन है और एक जीरो है. तो यहाँ पर हम लेते हैं माइनस वन, इसके बाद हम ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो. आप ये मत सोचिए कि ये डिस्टेंस प्रपोर्शनेट हो, ये तो एक जजमेंट के लिए अंदाज के आधार पर. तो अंदाजे से मैंने ऐसा कर दिया. अब हम इसके बेसिस पे ध्यान से देखें. माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं, माइनस टू ले लेते हैं. जब मैं माइनस टू लूँगा मतलब वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ ले रहा हूँ पहले यहाँ लिख देता हूँ. मैं माइनस इन्फिनिटी से ले रहा हूँ मैं वैल्यू माइनस वन तक. फिर मैं अगली वैल्यू माइनस वन से कहाँ तक लूँगा? जीरो तक. इक्वल टू किधर भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं. माइनस इन्फिनिटी में तो इक्वल टू लगेगा नहीं, और प्लस इन्फिनिटी में, क्योंकि कभी भी एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं होती है.
इसीलिए माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ओपन होते हैं, ये ओपन इंटरवल के निशान है, और जीरो से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा। ये पूरी रियल लाइन को एक दो तीन भागों में बांट दिया है। अब हमने कोई वैल्यू ली माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन के बीच की, मान लीजिए मैंने माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में माइनस टू ली, माइनस टू यहाँ रखूँ मैं, तो माइनस टू को मुझे प्लस बनाने के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, तभी तो ये प्लस बनेगा। तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में, इस बेसिस पे देखो आप, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच की वैल्यू माइनस टू ली, और माइनस टू जो है वो जीरो से छोटा हो रहा है, तो उसको माइनस बनाने के लिए ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस ये माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, तो माइनस टू यहाँ पे भी रखना है, तो जब मैं माइनस टू यहाँ रखूँगा तो ये भी हो जाएगा माइनस टू प्लस वन माइनस वन, उसको भी प्लस बनाना है, तो मुझे एक माइनस और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसके भी पहले। ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। माइनस वन, माइनस वन से बड़ी और जीरो से छोटी, माइनस पॉइंट फाइव लीजिए। अब माइनस पॉइंट फाइव यहाँ पे अगर मैं रख दूंगा तो माइनस पॉइंट फाइव ये रख दिया, तो एक माइनस और लगेगा तब जाके वो प्लस हो जाएगी, मतलब ये वाला लगेगा माइनस एक्स, माइनस ये माइनस। अब मैं माइनस पॉइंट फाइव को यहाँ रखता हूँ तो माइनस पॉइंट फाइव प्लस वन, वन में से पॉइंट फाइव माइनस किया तो प्लस का हो गया, तो इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं एक्स प्लस वन ही लिख देता हूँ। अब जीरो से बड़ी लेना है और इन्फिनिटी से छोटी, जीरो से बड़ी वैल्यू लो वन, अगर मैं यहाँ वन लिख देता हूँ इसमें मॉड ऑफ वन, तो वन का आउटकम वन ही रहेगा, क्योंकि वन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो में नो चेंज, ये एक्स ही रहेगा, है ना। ये वन से तो मैंने एक आइडिया दिया आपको, अब वन से बड़ी वो वैल्यू आपने, सॉरी जीरो से बड़ी वैल्यू वन इसमें डाल दो, वन प्लस वन ये भी टू, तो ये भी प्लस रहेगा, पर हाँ ये बीच का माइनस तो माइनस ही रहेगा। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, फाइनली एफ ऑफ एक्स ऐसा डिज़ाइन हो गया। अब आपकी प्रॉब्लम सरल हो गई, तो ध्यान से देखिए, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा वन, माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक, माइनस वन से लेके जीरो तक, इसको कैलकुलेट कर लें, ये माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, माइनस वन अब जीरो से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी, इसमें इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन। अब आप देख सकते हैं कि अब आपको काफ़ी राहत लग रही होगी कि क्योंकि ये इस तरह से अब क्वेश्चन फॉर्म हो गया है, तो अब हमें कौन कौन से पॉइंट्स पे चेक करनी है कंटिन्यूटी। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करना है माइनस वन पे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स पे, और एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दो पॉइंट्स है आपको क्रिटिकल पॉइंट्स, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में नहीं करना आपको माइनस वन, क्योंकि माइनस वन में दोनों केस हैं और जीरो में भी दोनों केस हैं। तो माइनस वन पे आप राइट हैंड लिमिट देखिए क्या होगी आपकी, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी एफ ऑफ माइनस वन प्लस एच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लर्निंग है इस क्वेश्चन में। माइनस वन से बड़ा, तो माइनस वन से बड़ा सेकेंड ऑप्शन है, तो यह आ जाएगा माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस एच माइनस वन। अब एच की जगह जीरो रख दीजिए, कैलकुलेट कर लें, माइनस इंटू माइनस प्लस टू माइनस वन इज वन, तो ये वैल्यू आ गया वन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस टू, सॉरी माइनस वन माइनस एच, माइनस वन से छोटा, माइनस वन से छोटा, तो माइनस वन से छोटे के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, वन है। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड तो बराबर हो गई। अब तीसरी चीज़ है एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन क्या चीज़ होगी, तो एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस वन पे आएगा, वो भी उसी से आएगा ऊपर वाले से, तो वो भी वैल्यू वन आ गई। तो इसमें तो देखें क्या हो गया, आर एच एल,
RHL is equal to LHL is equal to f of minus 1. तो ये हो गया कंटिन्यूस. कंटिन्यूस कहाँ हो गया? एट x इज इक्वल टू माइनस 1 पे. अब जो दूसरा पॉइंट है एट x इज इक्वल टू 0, उस पर भी इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं. तो 0 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0. तो 0 पे देखिए, 0 पे राइट हैंड लिमिट क्या होगी? राइट हैंड लिमिट हो जाएगी f ऑफ 0 प्लस h. एफ ऑफ 0 प्लस एच मीन्स बिगर देन 0, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा एक ये केस है. इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ गई माइनस 1. एल एच एल लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच. एफ ऑफ 0 माइनस एच जब रखेंगे आप इस वाले में 0 से स्मॉलर में, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच माइनस 1. ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2h माइनस 1. जब h की जगह 0 रखेंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा. दोनों बराबर आ गए RHL LHL. तो किसकी बात करेंगे हम? f ऑफ 0 की. f ऑफ 0 x इज इक्वल टू 0, ये इसी में आएगा माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1. ये भी माइनस 1 है. तो आप देखें कि RHL LHL सब बराबर आ गए. सिंस RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो ये कंटिन्यूस हो गया. कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. और अदरवाइज तो ये कंटिन्यूस है ही, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूस हो गया. तो आपको पूछा था कि फाइंड ऑफ पॉइंट्स, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. इसमें आंसर क्या होगा कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. आंसर होगा आपका एट द एंड यू आर सपोज टू राइट आंसर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. There is no point of discontinuity in this function या for this function. ये आपका question number 34 था. Hope कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से. कोई अगर problem आती है, कोई doubt आता है, तो मेरा ये WhatsApp number है, आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं. या कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए. मेरी बेस्ट विशेष हैं, खुद आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं, सबकी मदद करें, सबको साथ में ले जाएं. विश यू ऑल द बेस्ट.